हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लाइव डेमो के साथ देखेंगे कि अगर आप किसी वैकेशन पे जा रहे हो तो आप अपने अमेज़न सेलर अकाउंट को हॉलीडे मोड पे कैसे ऑन कर सकते हो। बट उससे पहले हम कुछ रूल्स की बात कर लेते हैं। अगर आप एफबीएम सेलर हो तो आप अपने सेलर अकाउंट को हॉलीडे मोड पे ऑन कर सकते हो, बट अगर आपके कोई पेंडिंग ऑर्डर है तो वो आपको फुलफिल करने पड़ेंगे, ऑर्डर्स कैंसिल नहीं होंगे। देखिए, हॉलीडे मोड पे अगर आप अपने सेलर अकाउंट को रख रहे हो तो आपकी जितनी भी इन्वेंट्री है वो इनएक्टिव हो जाएगी, उसके बाद आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। आप जब अपने वैकेशन से वापस आओगे तब आप उसको वापस नॉर्मल मोड पे ला सकते हो और फिर आपको ऑर्डर्स मिलने चालू होंगे। बट अगर कोई आपके पेंडिंग ऑर्डर्स है तो उन्हें प्लीज़ फुलफिल कर दीजिए, वो कैंसिल नहीं होंगे। अगर आप एफबीए कर रहे हो तो आप अपने सेलर अकाउंट को ऑन या ऑफ कर सकते हो, ये आपका चॉइस है, उसको हॉलीडे मोड पे रखना है या नहीं रखना है। क्योंकि एफबीए सेलर्स के लिए जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो अमेज़न खुद ही फुलफिल करता है अपने वेयर हाउस से, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप एफबीए और एफबीएम दोनों कर रहे हो तो आपको अपने सेलर अकाउंट को हॉलीडे मोड पे डालना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका जो एफबीए की इन्वेंट्री है वो तो एक्टिव ही रहेगी, अमेज़न आपके ऑर्डर्स को फुलफिल करता रहेगा। बट आपकी जो एफबीएम इन्वेंट्री है उनके लिए अगर कोई ऑर्डर आपको नहीं चाहिए हॉलीडे मोड पे, तो आपको अपने अकाउंट को हॉलीडे मोड पे ऑन करना ही पड़ेगा। इससे आपकी इन्वेंट्री इनएक्टिव हो जाएगी और आपको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। बट यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, आपको ऑर्डर्स को फुलफिल करना पड़ेगा अगर कोई पेंडिंग है तो। अभी हम चलते हैं एक लाइव डेमो में और देखते हैं कि आपको ये प्रोसेस कैसे करना है। आपको जाना है अपने सेलर सेंट्रल अकाउंट पे। यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको अकाउंट इन्फो पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे ये आपको एक नए पेज पर लेकर जाएगा। यहाँ पे आपको सेकंड वाला ऑप्शन ही दिख जाएगा, लिस्टिंग स्टेटस। इसके सामने गोइंग ऑन हॉलीडेज जो लिखा हुआ है इस पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, सेट ऑल लिस्टिंग टू एक्टिव या फिर इनएक्टिव। अगर आप हॉलीडे पे जा रहे हो तो आपको इनएक्टिव पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सेव पे क्लिक कर देना है, तो इससे आपकी सभी की सभी इन्वेंट्री इनएक्टिव हो जाएगी और आपका जो अकाउंट है वो हॉलीडे मोड पे चला जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ। अगर आपको अपनी करेंसी को किसी और करेंसी में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे जैसे INR लिखा हुआ है तो आप इसको USD या फिर SAR यूरो में आप कन्वर्ट करके देख सकते हो, तो आप इससे अलग अलग करेंसीज में अपने बैलेंस को चेक कर सकते हो। अब हम चलते हैं अगेन हमारे मेन टॉपिक पे। अब आपको अपने हॉलीडे मोड को वापस से डीएक्टिवेट करना है, तो आपको अगेन यही प्रोसेस करना है और यहाँ पर आपको एक्टिव करके सेव पर क्लिक कर देना है, तो अभी आपकी जो भी इन्वेंट्री है वो वापस से एक्टिव हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके बिजनेस में कुछ वैल्यू ऐड करेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।